दी है। जो बाबा ने कहा कि सेकंड में ऊपर जाना, किस तरह डिटैच हो जाए और उस समय क्या संकल्प करे, तो आज बाबा के महावाक्य से सुनेंगे। और बाबा ने फिर कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल करने का फोकस किया है, अर्थात कौन सी कर्मेंद्रिया बाबा, दो बहुत पावरफुल कर्मेंद्रिया, उस पर बाबा हमेशा फोकस कराते हैं। तो एक है आंख रूपी कर्मेंद्रिया और दूसरा है जीभ। तो आज बाबा ने जीभ पर भी फोकस किया है, क्या मेरा उतना कंट्रोल है उस कर्मेंद्रिय पर। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, 26:8 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ फ्लावर बनाने बाबा आए। अच्छा, प्रश्न है एक्चुअली विकार क्या है? विकार काटे है ना, विकार रक्षा के लिए है, लेकिन विकार अंदर ना हो। अच्छा, प्रश्न है विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश भी समाप्त हो जाए तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? दीदी सभी म्यूटेड है, कोई बोल नहीं पाएगा। अनम्यूट हो गए हैं सभी। अच्छा, योग बल दीदी, योग बल से। योग बल, अच्छा, और कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का देही अभिमानी, विकारों का अंश भी समाप्त करना है, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? एक ही पावरफुल पुरुषार्थ है, कौन सा है? सोल कॉन्शियसनेस, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध-बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। देखो हमारा पुरुषार्थ एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड में ऊपर जाना और आ जाना। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुख हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ये पुरुषार्थ करना है कर्म करते करते, बिल्कुल सन्नाटा। तो बहुत अच्छा है, पांच बातें हम आज अपने मानस पटल पर भी साथ में नोट कर ले। एक सेकंड में शरीर से डिटैच, ऊपर आना जाना और सुध-बुध भूल जाए, और फोर्थ है ऐसे लगे जैसे सन्नाटा, कोई चुरपुर नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो उस समय, ये वाला वो जो हमारा था ना पॉज प्रैक्टिस प्ले, ये वाला पुरुषार्थ आज बाबा ने देखो क्लियरली कह दिया, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यह हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो,
मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहां मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो, भगवान वाच है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्य को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले अच्छा, बोले जानवरों का क्या होगा? क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना, आप लोगों को भी पूछा होगा, क्या कहेंगे? मनुष्यों की तो आपने बात बता दी, प्रकृति की भी बात बता दी, प्रकृति सत्व प्रधान ये। अच्छा ये, और फिर बाद में मनुष्य का ये परिणाम होगा। जानवरों का क्या होगा? अच्छा और धर्मों का क्या होगा? पूछे क्या जवाब दे? क्या जवाब दे फिर जब ऐसे कोई पूछे हमको? अपना तो समझ लो, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका अपना सिस्टम है। अच्छा चिंता करने की जरूरत, चिंता है तभी तो बेचारे पूछ रहे। हाँ हाँ अपने आप को समझ लो, बोलो अपना तो समझो, पीछे औरों की बात है। भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, मतलब एक्चुअली फॉरगेट अबाउट पूरी दुनिया, मुझे तो अपने से कंसर्न है ना। तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन किंगडम, उसमें भी खुद से कंसर्न है। अगर मेरा खुद को मुझे अच्छा हो रहा है तो मुझे जानवरों की क्या करना है, पहले वो देखो। बाबा यही कह रहे हैं। तो भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता, विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं। कितना कॉमन वर्ड है, एक तो भगवान तेरी गत मत तुम जानो, दूसरा भगवान मेरी नैया पार ले जाओ, तीसरा भगवान तेरी माया बड़ी प्रबल है। अब क्या प्रबल है बताओ इसमें? ये स्टेटमेंट कह दिया, भगवान तेरी माया बड़ी प्रबल है, क्या लगता है प्रबल है इसमें? क्लियर होना चाहिए ना, प्रबल क्या है, तेरी माया या मेरे विकार? नहीं बच्चे, मतलब जो भी मेरे अट्रैक्शंस है या एक हिसाब किताब है, वो मेरा है या उसका है? मोह किया, बच्चे में मोह हुआ, चिंता हुई, तो मेरी रचना है उसकी रचना है? लोभ हुआ, उसकी रचना है मेरी रचना है? मैं तंग आ गई, फोन आया मैं तंग आ गई, तो मैंने किया उसने किया, उसकी माया मेरी माया? किसमें यहाँ इसी तरह कोई बहुत स्टेटस मिला, अचीवमेंट मिली, ईगो आया, मेरी रचना उसकी रचना? तो इन सब में कहीं भी परमात्मा का तो रोल ही नहीं है। तो क्लियर होना चाहिए ना, तेरी माया बड़ी प्रबल है, भाई तेरी माया कहाँ से आई? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, तो न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते, अर्थ कुछ नहीं।
तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का? राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख, यहाँ की बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पांच विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सत्वगुणी से तमो प्रधान बनना है, सत्वगुणी से तमो प्रधान 84 जन्म लेते लेते बन गए। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, वाइसलेस फ्लॉलेस, तो इसका मतलब नई दुनिया, और विशेष वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं आज। तो ये कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है ना। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं, ज्ञान से दिन भक्ति से रात कैसे होती ये भी कोई समझते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की भी रात है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाया जाता है। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, उन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए अपवित्रता के कारण, यह है ही पापात्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पापात्मा बनेंगे, देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं। यहां तुम श्रीमत् से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। तो फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं, हम विश्व पर राज्य पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते, आज बाबा वापस रिपीट कर रहे, बिगड़ समझ कह देते, क्या समझ क्या कह देते, प्रभु तेरी माया प्रबल है। अब हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, भगवान क्या तेरी माया है। तो किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में धन माया है तो क्या माया है, धन में लोभ माया है, लोभ माया है, लोभ लोभ में मोह माया है, बिजनेस माया है, बिजनेस में ईगो एंगर माया है। तो माया क्या है ये तो क्लियर हो ना। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। वास्तव में माया पांच विकारों को कहा जाता है। अब जैसे तंग आ जाते, ये फोन है ना हमको परेशान कर दिया, मोबाइल में फोन बजते रहते, मोबाइल मोबाइल का प्रॉब्लम है, मोबाइल ने कुछ गलती की है, उठा के गुस्सा आता है उसको कुछ कर देते जब एक्सट्रीम होता है, भाई मोबाइल ने क्या किया प्रॉब्लम। तो चीजें थोड़ी प्रॉब्लम है, चीजों में जो एनर्जी है वो प्रॉब्लम है।
फिर कोई उठा के फेंक देता है, गुस्सा आ जाता है, बस कंटिन्यूसली फोन बजते है, कोई बहुत ही इरिटेशन हो जाता है. अब किसको नुकसान पहुंचाया, खुद को ही, मतलब डबल कर दी ना प्रॉब्लम को. ऐसे ही कहते छोड़ दो बिजनेस, छोड़ दो, क्या है, माया है, बच्चों को छोड़ दो, माया है. तो बाबा कहते हैं, उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया, 10 शीश वाला. अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना देते हैं, बाकी कोई चीज है नहीं. बाप कहते हैं, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो. ये है रावण और वो है अंगद. रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं. तो देखो, रावण ने हिलाने की कोशिश की अंगद को, तो अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे आज पूरे दिन. तो अंगद किसको बनना है और रावण कौन है, ये तो क्लियर हो गया. तो अप्लाई करो आज के दिन या कल के दिन, कल कोई सिचुएशन यूज करो. अंगद और रावण, क्योंकि यहाँ का टाइम, यहाँ का ही पूरा गायन है. आई होगी ना कल ऐसी कोई पूरा पूरे दिन में, या आज आने वाली होगी कोई ऐसी परिस्थिति, सबके पास आई होगी कि नहीं आई, किसी के पास नहीं आई. अच्छा नहीं आई, सब या तो पास हुए होंगे. अच्छा राव आई है. राधा बहन बोलो, कौन सी, अंगद, अंगद कौन बना, रावण कौन बना. अंगद मैं बनी. हाँ. और प्यारी प्यारी रही और नेगेटिव पॉजिटिव से परे रही. अच्छा अंगद बनी. अच्छा और रावण कौन बना, माया, जो बातें थी बाहर की बातें थी, जो सीन थे, दृश्य थे, व्यक्ति थे, वो लोग उससे परे रही. तो इसमें ड्रामा देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर रोज देखो तो रोज ही अंगद हम बन सकते हैं. बाहर रामलीला देखने की जरूरत ही नहीं है फिर. तो बाबा कहते हैं, तो रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए. अब हनुमान कौन कब बन सकते हैं बताओ. चलो आज हनुमान बनना है, अंगद बने, क्लियर, हनुमान बनो आज. हनुमान की स्पेशलिटी क्या थी, कि एक तो दो बहुत सारी बातें हैं, लाइटनेस, हल्कापन. हनुमान हल्का रहेगा, हनुमान तीन चार है, सेवा का है, सेवा भाव, हल्कापन. हनुमान महावीर, महावीर नहीं, हनुमान की स्पेशलिटी पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हल्की की है. और बाबा को पूरा मानना, ये हनुमान की क्वालिटी 100%. दो तीन बहुत पावरफुल स्पेशलिटी, वैसे तो बहुत सारी है. वो छाती निकालता है तो राम. तो मेरे दिल में कल ही था ना बाबा का, बाप और सेवा जिसके दिल में होगा, तो छाती निकाल के देखो. और दूसरा, दूसरा हनुमान की स्पेशलिटी थी कि उसको जगाया. जामवंत का सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बन पवन समाना. मतलब तुम चुप क्यों बैठे हो, तुमको पता नहीं तुम कौन. हमेशा सेवा में एवर रेडी. हमेशा सेवा में एवर रेडी, ये हमें करना है. हनुमान जी बनो, कितनी कितनी सारी क्वालिटीज है. लाइटनेस है, संजीवनी बूटी देना, लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए तो कोई ज्ञानी बाबा का बच्चा है वो मूर्छित हो जाए उसको संजीवनी बूटी दो. हनुमान बनो पूरे दिन, कितने बार बन सकते. जरत ही जैन नहीं, वो ड्रामा. राम का आज्ञाकारी भी था. आज्ञाकारी, हाँ, एक्यूरेट, बहुत आज्ञाकारी राम. तो रावण, अंगद, हनुमान आदि सब दृष्टांत बना दिए, जिसका तुम बच्चे जानते हो. भ्रमरी का भी दृष्टांत है, भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है. बाबा हमेशा भ्रमरी का दृष्टांत को कहते हैं,
ब्राह्मणी को, तुम विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो, बाप को याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है, इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। अब देखो क्या क्या बना दिया आज बाबा ने, सब याद है ना, सब कैरेक्टर्स। रावण तो हमको नहीं बनना है, रावण तो रेडी है। हनुमान, अंगद, भ्रमरी और कछुआ। कछुए का भी दृष्टांत यहाँ का है, कछुआ भी बनना है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी जब जब जरूरत होती तब निकालता है, तब नहीं जरूरत होती अंदर समेट लेता है। तो जब जरूरत है तब संकल्प चले, जब नहीं जरूरत है समेट ले। तुमको भी बाप कहते हैं, भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। पॉज प्रैक्टिस प्ले, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते। बाप कहते बच्चे ये सब छोड़, अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। कर्म करते अंतर्मुख हो जाओ। गुलजार दादी बताती है, कराची में बाबा कर्मणा सेवा कराते थे सबसे। तो वो कोयला के अंदर जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका पाउडर समझ लो, तो वो मिट्टी में मिक्स करके उसके कंडे वो बनाना, तो फिर उसको फिर अंगीठी में डालते थे, फिर वो गर्माइश होती थी। तो बाबा बच्चों को, मतलब सब बच्चे मिलकर करना है, तो बुलाते थे और फिर ये सेवा। तो सब बहने 385 कंडे बना रहे सभी, वो कोयले से कर करके बाबा आते थे। बच्चे अगर अभी तुम्हारे भगत को साक्षात्कार करना है तो कौन सा साक्षात्कार होगा, कोयले वाली देवी का? मतलब क्या मैं उस समय साक्षात, मतलब हाथ भरे हुए ना कोयले से, तो क्या मैं उस समय साक्षात्कार लायक हूं, बाबा पूछते थे। कर्म कैसे भी कर रहे हैं तो उस समय मैं साक्षात्कार लायक हूं, या उस समय वो कोयला देख रहे हैं और अंदर ग्रंबल कर रहे हैं, उसी समय फोटो क्लिक हो जाएगी, भगत आ जाएगा, दर्शन हो जाएगा, फिर क्या कहेगा, कोयले वाली देवी। तो बाबा बीच बीच में ऐसे प्रशारत कराते, बच्चे अब ऐसे समय में देखो, अभी कोई साक्षात्कार करने आए तो कर्म करते समय बाबा क्या कहते, इसलिए अंतर्मुख हो जाओ करते करते। तुमको भी बाप कहते भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते, गीत गाना यह करना, अपने को देखो, हम लायक है, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है हमारा वह बाप है, अंदर में चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए बाबा ने इस पैराग्राफ में, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है हमको, तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। मालूम है ना अक का फूल क्या है? टांगर का कौन सा होता है? टांगर फ्लावर, टांगर भी वो मुझे लगता है वो जो ना पिंकिश हो, पिंकिश है लेकिन उसमें कुछ लाइट पिंक होता है ना, खुशबू ना कोई, जैसे ना यूजलेस फूल है ये सब जो, उसको मुझे लगता है टांगर कहते हैं बाबा। तो जंगली फ्लावर होगा, जंगली फ्लावर, जंगली, हाँ ऐसे ही समझ लो, जंगली फ्लावर। अक भी तो जंगली है। तो बाबा कहते हैं कि
हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है, कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। अच्छा, भोजन खाने समय क्या करो, हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, आज बाबा की मुरली सारी चार्ट पर आई है जो किया है। भोजन खाते समय बाबा की महिमा करो, कई सारे हमने पुरुषार्थ किए ना भोजन खाते समय, हर ग्रास बाबा को ऑफर करते रहो, बाबा की दृष्टि बाबा के भंडारे से खा रही हो, बाबा के भंडारे से खा रही हो। तो एक बार बोल दिया लेकिन उसके बाद हर बाइट में बाबा के गुण, हाँ वो नहीं किया था हमने, वो पुरुषार्थ क्या है, बाबा की कितनी महिमा भोजन खाते समय, कोई है जो कंटिन्यू रखा है अभी? याद आती है, एक बोले एट अ टाइम। हाँ वाह बाबा वाह वाला भी प्रैक्टिस किया था, आज बाबा कह रहे हैं भोजन खाते समय बाप की महिमा करते रहो। वाह बाबा क्या क्या मेरे तकदीर है, वो कितने सारी महिमा हमने की थी ना एक बार, ये सब बाबा के जो भी हम कर रहे हैं बाबा की श्रीमत वाला है। तो भोजन खाते समय बाप की महिमा करते रहो, बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाएगा। एक है हेल्थ कॉन्शियस भोजन, अरे अरे ये खाएंगे ना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये खाएंगे ना मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये खाएंगे ना बीपी बढ़ जाएगा, ये खाते खाते याद करते करते खाते जाओ, हेल्थ कॉन्शियस कहेंगे। और एक है समझो, ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं, लेकिन फिर जब खा रहे हैं तब महिमा। तो कर्स करके भी खा सकते, वरदान देके भी खा सकते। आज पुरुषार्थ करेंगे, ट्राई करेंगे, आज रिवाइंड करेंगे, किया हुआ है ना तो इजी हो जाएगा। तो बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सत्व प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटे याद में रहा, अच्छा ये भी आ गया आज का, आज तो फुल चार्ट आ गया। देखो कितना समय कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटे याद में रहा और आज 2 घंटे याद में रहा, ये तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा, यात्रा पर जाते तो कहां ऊंचे कहां नीचे होते, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, खुद का अकाउंट देखो, मुख्य है याद की यात्रा। भगवान उवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं है, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। छोटा रथ चाहे कितना भी प्योर हो, कितना भी एक्यूरेट हो, उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का भी कब बताया गीता का ज्ञान, एट्रैक्टिव तो बचपन का पोज है सबसे आकर्षक और मनमोहक, और ये सारा पोज बचपन के है, लेकिन गीता का ज्ञान जो बताया वो पोज बताया बड़े का, मतलब थोड़ा मैच्योर हो गए तब। तो ज्ञान देना है तो कोई छोटे रथ में भगवान नहीं आ सकता,
उसके लिए बड़ा रथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो जरूर अनुभवी रथ चाहिए ना, छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई जानते नहीं है, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% 100% अपवित्र बने हो। सत्युग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी, देखते भी हो प्योरिटी वाले को इम्प्योर माथा टेकते, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे, देवी देवताओं की महिमा कौन सी है जो सन्यासियों के आगे कभी नहीं कह सकते। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला, ये वाली महिमा सन्यासियों को कभी कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब जो भी इस तरह की महिमा है। सर्वगुण संपन्न तो फिर भी नहीं कहेंगे, चलो निर्विकारी कह भी दे, क्योंकि कुछ ना कुछ अवगुण दिखाई दे देता चाहे सन्यासियों में है। अगर हमें डर लगता है मतलब उनमें कोई अवगुण है, ये भी है, और ये जनरली होता ही है। तो बाबा कहते हैं कि देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर वाले माथा टेकते हैं। तो यह महिमा, हम पापी है, नीच है, देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। देखो हम मधुबन जाते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, तो क्या फीडबैक लेकर आते हैं चांडक जी? 4-5 दिन मधुबन रहते हैं, क्या फीडबैक आता है जब यहाँ वापस आते हैं? तो ऐसा लगता है मैं अमर लोक छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूँ। स्वर्ग है, पैराडाइज है, ऐसा ही लगता है ना। अब सोचो, क्योंकि वॉइसलेस पवित्र दुनिया है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, तो सत्युग कैसा होगा? 100% वॉइसलेस। अभी तो फिर भी पुरुषार्थी है, चाहे मधुबन है, पर जहां 100% ये पांचों गुण, पांचों क्वालिटीज, पांचों डिग्रीज होंगी, कैसा वो होगा दुनिया? तो बाबा कहते हैं तो सोचो कि तिलक, हाँ, 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का 3रा नेत्र मिलता है। बाप ही राय देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी ज्ञान को, आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, आशीर्वाद से स्टेटस मिल जाए सत्युग का, तो क्या हो जाएगा? बाबा आशीर्वाद करे और सबको स्टेटस मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहते फिर तो टीचर सबके ऊपर कृपा करे, सब पास हो जाए, बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताए डबल सिरताज बनते हैं ना, पतित राजा भी उन्हों की पूजा करते हैं, तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। तो जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहां तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, फिर वह धारण कर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है।
टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। जो चीज मुझे केवल इस जन्म तक ही चल सकती है, विनाशी हो गई। और एट द जो दूसरे जन्म तक चलेगी कंपैरेटिवली, तो लेकिन जो 21 जन्म चलेगी, अब जैसे टीचर है, बहुतों को पढ़ाया, तो वो अगले, तो उसने तो विद्या का दान दिया ना, तो क्या कहेंगे, उसको बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगी अगले जन्म में। क्या कहेंगे उसको, विद्या का दान दिया, बहुतों को डॉक्टर है, बहुतों की ट्रीटमेंट की, क्या अगले जन्म में बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? हाँ दीदी, सोच के बताना। कमाई के लिए करते हो? हाँ, निस्वार्थ होना चाहिए। तुमने तो एनकैश कर ली ना उसकी, जितनी पढ़ाई दी उतना एनकैश कर लिया, फिर वो अगले जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड होगा? लॉ ही नहीं है ना, जो चीज मैंने एनकैश कर ली वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड। और सेवा तो इच्छा के लिए करी नहीं है मैंने तो। हाँ, वो सेवा भावना तो थी नहीं है, तो कंप्लीट बिजनेस था। दीदी, जब संगीत सीखते हैं तो वो संगीत है वो अगले जन्म तक चलता है क्या? नहीं नहीं, जिस चीज को भी एनकैश कर लिया, अब एनकैश तो क्या है, झगड़े करते हैं, स्कैम हो रहा है वो अगले जन्म कैसे जाएगा, वो तो इस जन्म भी मुश्किल है बाबा कहते हैं हाँ, टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते, आने से हार्ट फेल हो जाते, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना, ये सब विनाशी है। अविनाशी सिर्फ जो अविनाशी वाली स्टेटस में आएगा, मेहनत सारी मुफ्त हो गई। ये तो स्टूडेंट के लिए भी बाबा अप्लाई होता है जो पढ़ता है, तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती, हम एक एक घंटा मुरली सुन रहे हैं, ये भी हमारा पूरा अविनाशी कैटेगरी में जा रहा है। फिर हम वर्क कर रहे हैं और अविनाशी, फिर हमने सेवा किया फिर तो और ही जमा हो गया, सब अविनाशी कैटेगरी में जाता जाएगा। तो वह अकाली मृत्यु होती नहीं है, तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? Why Gita is called the highest? सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि भगवद गीता, भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए, भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए अब देखो गुरु नानक की भी कौन सी पिक्चर वंदनीय है, मतलब ग्रंथ है ना, एक तो वो जो वो पिन पॉइंट कर रहे हैं ऊपर की ओर, और ग्रंथ साहब मतलब जो कोई भी व्यक्ति का जो स्पेशलिटी है वो उसका एक पिक्चर कंफर्म रहता है हमेशा के लिए, जैसे सचिन का बैट के साथ दिखाएंगे, इस तरह से जिस जिसकी जो स्पेशलिटी है। तो श्री कृष्ण का गीता के साथ है तो वो पिक्चर तो नंबर वन होना चाहिए, पूजन योग्य, गायन योग्य, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन बाल गोपाल वो वाले पिक्चर्स ज्यादा मानते हैं, तो वह है निराकार सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं ना। तो अब भगवान किसको कहा जाए, भगवान तो एक ही होता है, इसलिए
अच्छा, फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते तो भाई बहन हो जाते, इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह युक्ति, क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहां मतवाली तो नहीं बनी। अच्छा, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। विनोद भाई कहां है? विनोद भाई, हाँ जी दीदी, दीदी बाबा पूछ रहे ये वीडियो ऑफ क्यों कर दिया? दीदी मेरा ना सर्वेंट चाय ले आया था तो मैं चाय पीने लग गया, साथ साथ सुन बाबा ने मना किया हुआ था इसलिए ऑफ कर दिया। तो क्या किया? गलती नहीं दीदी, इसलिए। ये भी सच्चाई है, देखो बहुत अच्छा, लेकिन सच्चाई तो है पर गॉडली स्टूडेंट तो नहीं हुए ना। हाँ तो अब देखो, इसलिए बाबा ने पकड़ लिया। क्या बोला? अब बाबा को पता था आप चाय पी रहे हो। हाँ जी दीदी, हाँ तो जी। बाबा पूछ रहे हैं, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, समोसा देख दिल हुआ बाजार में देखकर? अच्छा हाँ, देखो चेक करो, क्योंकि चार्ट में तो ये भरना है ना, बाहर की होटल की चीजें हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे दीदी। हाँ तो अब चेक करो, ऐसे दिल बहुतों की होती है जी। फिर खा भी लेते हैं। अच्छा, ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएगी, हाँ बाहर की चीज है, चना मतलब जो भी बाहर की चीज है, और फिर क्या कहेंगे वो भाई? भाई एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, एक बार खा लो, इतना सा क्या है? क्या है वो, क्या कहेंगे फिर? मशीन से बनी होती है ये, खा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन से बनी है। ब्राह्मणी को, टीचर को क्या हो जाएगा? रिंकू बहन बताएगी। तो बाबा कहते हैं, तो जो कच्चे होते हैं ना वह झट खा लेते हैं, इस पर शास्त्रों में भी मिसाल है। तो ये कहानियां बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताए हो, तुमको बाप कहते, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, वह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो असुर हो, चलन असुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम, विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, या फिर बेहद का बाप कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो। किसके लिए बाबा कहते हैं? काले से भी काला बन जाते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन गए। बाबा को प्रॉमिस कर दी, मधुबन होके आ गए और फिर विकारी बने, तो बाबा कहते काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है ऐसों को, क्योंकि अब फिर उनको पत्थर बुद्धि, अब कितना भी ज्ञान सुने वो जाएगा नहीं, पत्थर बुद्धि। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती, बाप है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? अच्छा, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए, आने वाला है ना अभी नवरात्रि, सब व्रत रखना चाहिए, व्रत नहीं करना है तो नहीं, कौन सी चीज नहीं करनी होती? त्यागने का व्रत, त्यागने का,
विकारों का व्रत रखो, विकार में नहीं और विकारों का व्रत रखो और विकार में भी, विकारों में भी विकार में नहीं जाना, प्योरिटी का व्रत रखो। भाई व्रत रखो ना, तो व्रत तो ऐसी चीज का रखो, इस इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब बच्चे ये एक जन्म पवित्र बनो, सिर्फ एक जन्म, ये जन्म की बात तो छोड़ो, अब तो क्या है, जो भी हमारी शरीर की आयु है, जो भी शरीर की आयु है, और वो आयु के बाद भी ज्ञान कब मिला, अच्छा ज्ञान के बाद भी समझ कितने बाद आई, कभी कभी हम 2 साल 3 साल 4 साल से ज्ञान सुन रहे लेकिन समझ कब आती है, तो समझ आने के बाद अब इस शरीर की भी आयु कितनी बची है और दुनिया की भी आयु कितनी बची है, अगर देखो उसमें तो एक जन्म भी है। बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहो, पूरा एक जन्म भी नहीं है, कुछ साल की बात है, अब तो एकदम इयर्स पे चल रहे हैं ये। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, और एक जन्म तुम रहोगे जब से ज्ञान मिला, बस अब डिसाइड कर लिया कि बाबा अब तो पवित्र दुनिया के मालिक बनना है, पवित्र दुनिया में तुम्हारे साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं तो ये व्रत रखो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो अगर ये व्रत रखेंगे ना, तो वो हमको कहती थी लौकिक माता जी कि तुम लोगों ने इतने बड़े व्रत रख दिए ना, अब छोटे छोटे व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर बड़े व्रत रख लो ना, तो ये छोटे छोटे जो व्रत कितने रखते हैं, रखते हैं ना, क्या है सदा सुहागिन का, ये है वो है, वो बहुत सारे व्रत है, तो बड़े व्रत रखो तो छोटे उसमें आ ही जाते, समा ही जाते। तो बाबा कहते हैं इनसे तो अब एक जन्म पवित्र रहो, बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखते हो, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे फिर शांति हो जाएगी, आगे का बाबा ने बताया है 9 लाख जाके रहेंगे फिर शांति हो जाएगी, और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे, एक धर्म की स्थापना बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा, सुना फ्यूचर, सुना चांडक जी क्या है, एक सिर्फ एक धर्म और 9 लाख बचे रहेंगे बाकी सब विनाश हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते याद प्यार गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओके ओम, धारणा के लिए सार है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है, पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है, पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है खान पान खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा न दे ये संभाल करनी है, अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है,
अच्छा वरदान है। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट और माइट, सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में बल्ब किसे कहेंगे, लाइट हाउस किसे कहेंगे। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। तो बीज रूप है पावरफुल स्टेज, तो इसमें बाबा कहते हैं तब सारे विश्व को लाइट मिलेगा। जब हर संकल्प में ये फीलिंग आए, बेहद की फीलिंग। बड़ी दादी का क्या फीलिंग, सबसे बड़ी मतलब जो स्पेशलिटी थी, वो हमेशा अनलिमिटेड सोचती थी, बेहद सोचती थी, हद की नहीं। तो इस आत्मा का कल्याण हो, इस चीज का, इस समय लिमिटेड फीलिंग। तो यही बताया ना कल कई क्लासेस में, दादी के अनुभव में सुना कि दादी का के बेहद बाबा से जो प्यार था, इसके कारण बेहद की बुद्धि थी। अगर बाबा से प्यार है, हद की बुद्धि नहीं हो सकती, बेहद। तो इसके लिए बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। तो विश्व का कल्याण, हर संकल्प में फीलिंग रहे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अपने आप को एडजस्ट करना। अच्छा बाबा के कितने प्यारे प्यारे महावाक्य है। तो स्टार्टिंग भी बाबा ने आज डिटैचमेंट से करी कि बच्चे कर अंतर्मुखी बन जाओ, एक सेकंड में ऊपर आओ जाओ। तीसरा था सन्नाटा हो जाए, चुरपुर समाप्त हो जाए। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो एकदम ये, और बहुत मौके मिलेंगे प्रैक्टिस का। और लास्ट भी बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी। तो आज का स्वमान होगा मैं विश्व कल्याणकारी, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो उसमें बीज रूप की फीलिंग में रहना है। तो बीज रूप परम धाम की वो बीज रूप अवस्था है।